In this video, five important problems are taken, and I would like to solve such problems in very easy way. I trying to make you understand the concept of all these problems. So go ahead and think about that. The question number one is, find the least number that is divisible by all the numbers between 1 to 10. इस प्रॉब्लम में आपसे पूछ रहा है कि एक सबसे छोटा नंबर बता दो जो 1 और 10 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स से कंप्लीटली डिविजिबल होगा. जब यहाँ पे लिखा रहेगा इन बिटवीन, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपको अब 1 और 10 को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, नंबर इसके बीच का होना चाहिए. और कोई भी नंबर जो फाइंड करोगे जो 2 से लेके 9 तक सभी नंबर से डिवाइड होगा, वो सिंपल सी बात है कि इन नंबर से वो बड़ा नंबर होगा. और बड़ा जब रिजल्ट आता है तो हमेशा मैंने आपको बोला है कि एलसीएम निकालना होता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग 2 से 9 तक के नंबर्स का हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन और फाइंड करेंगे एलसीएम, और वही हमारा आंसर होगा. तो यहाँ पे 2 का फैक्टर करोगे तो 2 आएगा, 3 का फैक्टर करोगे 3 आएगा, 4 के फैक्टर में आपको 2 टू द पावर 2 लिखना है, 5 के फैक्टर में केवल 5 रहेगा, 6 के फैक्टर में लिखोगे 2 एंड 3, तो फैक्टर ऑफ 7 इज ओनली 7, तो फैक्टर ऑफ 8 इज 2 is 2 3, एंड फैक्टर ऑफ 9 is 3 to the power 2. ये हो गए. अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो चेक कर लेना है आपका जो भी फैक्टर्स यहाँ पे लिखा गया है उसमें कितने नंबर आ रहे हैं और उनका मैक्सिमम पावर क्या है. तो इसमें फैक्टर आ रहा है 2 जिसका मैक्सिमम पावर है 3, और 3 आ रहा है जिसका मैक्सिमम पावर है 2, साथ में 5 भी आ रहा है 1, और 1 7 आ रहा है. जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 8 × 9 × 5 × 7, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलता है 2520. ये हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, अब यहाँ पे इन बिटवीन बोला था, अगर ये इन बिटवीन नहीं होता, होता नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो इसमें आप 1 भी कंसीडर कर लेते और 10 भी कंसीडर कर लेते, तो इसके फैक्टर में 2 और 5 आता एक एक बार, और ये दोनों फैक्टर यहाँ पे यूज हो चुके हैं, इसलिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तब भी यही आता. तो चाहे 1 to 10 बोलेगा, चाहे इन बिटवीन 1 to 10, आंसर यही रहेगा, और इसको इसी तरीके से आपको सॉल्व कर देना है. चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. इफ कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक ए माइनस कॉट ए. तो यहाँ पे कोसेक ए और कॉट ए का सम दिया गया है, और आपसे कोसेक ए और कॉट ए का जो डिफरेंस है पूछा गया है. तो यहाँ पे कोसेक और कॉट का आपको एक रिलेशन पता है. ठीक है, पहले उस रिलेशन को लिखते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे. तो आपको एक रिलेशन मालूम है जिसमें आप जानते हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, हम इसी से इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, इससे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, साथ में मिलेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए. ठीक, और इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पता है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो x मल्टीप्लाई कोसेक ए माइनस कॉट ए, और ये इक्वल हो जाएगा 1 के. तो जब यहाँ से आप लिखोगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये वैल्यू आ जाएगा 1/x, और यही हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम देखने में पता नहीं कैसा फील हो रहा होगा कि कैसा प्रॉब्लम है ये, लेकिन देख लीजिए वह 2 लाइन में सॉल्व हो गया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हुआ है. तो जो ट्रिगो के प्रॉब्लम होते हैं ना, ये बहुत आसान होते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं. बस आपको क्या करना है, सही डायरेक्शन में स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है. ठीक है, ये आसानी से सॉल्व होगा, ऐसे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए. इफ एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. यहाँ पे एक्स इस फॉर्म में दिया गया है, अब आपको एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बतानी है. तो चलिए, आपको देख के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कैसा प्रॉब्लम है ये, लेकिन है बड़ा आसान सा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है. ठीक है, तो जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो एक रूट यहाँ से हट जाएगा पहला वाला, तो 6 हो जाएगा बाहर, और बाकी सब कुछ जैसे रूट के अंदर लिखा हुआ है ये अभी एज इट इज चलता रहेगा, क्योंकि ये नंबर कंटिन्यू लिखा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये नंबर है इसकी जगह हम एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू एक्स की है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 + x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसी को सॉल्व कर दो, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फैक्टराइजेशन से, मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग. 6 के 2 फैक्टर कर दिया 2 और 3, -1 लाना है इसलिए 3 को माइनस में, इसको प्लस में लिखेंगे. यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2x - 6, यहाँ से x कॉमन किया तो x - 3,
यहाँ से प्लस टू कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस थ्री इज वन फैक्टर एंड एक्स प्लस टू इज अनदर फैक्टर. द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस इज थ्री एंड वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस फैक्टर इज माइनस टू. एक्स की यहाँ पे दो वैल्यू हो जाएगी, एक थ्री और एक माइनस टू, बस यही करना है. तो देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ये, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग. चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाइए. सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर माइनस 3n, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी. अब इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, मैं आपको दोनों तरीका बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगेगा उस तरीके को आप यूज कर लेना, ठीक है. तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इसका एक तरीका यूज करेंगे. तो जो भी आपको टर्म बताना होता है सम से, उसके लिए आपको करना क्या है, जो टर्म पूछेगा उतने के सम में से उससे एक नंबर कम का जो सम होता है उसको माइनस किया जाता है, ठीक है. यानी अगर आपको एस एन का कुछ हिसाब दिया गया है और आपसे पूछ लिया है ए एन, तो आपको करना क्या है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, मतलब जो टर्म आपसे पूछेगा उतने के सम में से उससे एक कम का जो सम होगा उसको माइनस करना है. मतलब अगर आपसे ए टेन पूछा हुआ है तो आपको एस टेन में से एस नाइन माइनस करना है. मतलब 10 के सम में से स्टार्टिंग के 9 का सम माइनस कर दोगे तो 10वां जो टर्म होगा वो आपको मिल जाएगा. यही हम लोग करेंगे. तो चलिए पहले इस रिलेशन से आप निकाल लो एस टेन और एस नाइन की वैल्यू. जब एस टेन निकालोगे तो यहाँ पे n की जगह आपको यूज करना है 10, तो ये हो जाएगा 5 × 10 का स्क्वायर माइनस 3 × 10, तो ये हो जाएगा 500 − 30, मतलब 470, ठीक है. सेम ऐसे ही एस नाइन कर दोगे तो आपको n की जगह यूज करना होगा 9, तो लिखोगे 5 × 9 का स्क्वायर माइनस 3 × 9, ये हो जाएगा 5 × 81 − 27, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 378, ठीक है. अब आपको क्या करना है, एस टेन माइनस एस नाइन करना है, तो 470 में से माइनस कर दो 378, तो माइनस करने पे 92 मिल जाएगा. यही ए टेन की वैल्यू होगी, ठीक है. तो एक तो हो गया तरीका ये सॉल्व करने का. अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे. अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे एपी और उसके बाद फिर ए टेन बताएंगे. और एपी निकालने के लिए आपको कम से कम दो टर्म चाहिए, तो हम लोग चलिए इसके टर्म निकालते हैं. जब एन इक्वल टू वन यूज करोगे तो आपको एस वन मिलेगा, और एस वन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ वन टर्म. सम ऑफ वन टर्म मतलब ए हो गया. ए कितना हो जाएगा, 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1, और इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2. सेम ऐसे ही अब हम एस टू निकालेंगे. एस टू के लिए एन की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 यूज करनी है, तो लिखोगे 5 × 4 − 3 × 2, तो आ जाएगा ये 20 − 6 मीन्स 14. ये 14 आप दूसरा टर्म नहीं एज्यूम करोगे, याद रखना. लोग गलती करते हैं, इसी को एपी लिख देते हैं. ये जो 14 है वो सेकेंड टर्म नहीं है, ये S2 है, मतलब स्टार्टिंग के दो नंबर का सम है. मींस ये S2 आपका क्या है, A प्लस A2 है, तो इसकी वैल्यू 14 आया हुआ है. यहां सिर्फ A2 लिखोगे तो इसमें से A1 आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी A2 आपका यहाँ पे 12 है. तो जो AP होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पहला टर्म 2 है, दूसरा 12 है, ऐसे आगे अभी बढ़ेगा. तो यहाँ पे जो D की वैल्यू है आपको दिख रहा होगा कितना आ गया, 10. अब इसी को यूज कर लो. तो जो ए टेन निकालना है इसका फॉर्मूला लिखोगे तो आप लिखोगे ए प्लस 9 डी, जहां पे ए की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है 10. इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 92, ठीक है. तो एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, एक तरीका ये है, जो आपको अच्छा लगेगा उसको यूज करना. मेरे हिसाब से जो पहला तरीका होता है ये जल्दी हो जाता है. चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5 पे. सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर एक्स. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसमें आपको एक्स बताना है, ठीक है. तो चलिए जब भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपके आते हैं जिसमें वेरिएबल्स लिखे रहते हैं ज्यादा, तो इसको हमेशा क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया करिए, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे तो एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे. इसमें आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए, तो सबसे पहले हम इसी को निकाल लेते हैं. तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, बी की वैल्यू यहाँ पे है माइनस 2a, तो माइनस 2a का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 × a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है.
पी हो जाएगा 4a² और इसका इंटू करोगे तो आ जाएगा -4a² और +4b², तो ए स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 4b² बचेगा, मतलब रूट के अंदर आपको 4b² लिखना है। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -2a और प्लस माइनस अंडर रूट हो गया 4b² और डिवाइडेड बाई करना है 2 × 1 मतलब 2। ये हो जाएगा 2a प्लस माइनस ये हो जाएगा 2b डिवाइडेड बाई 2। तो पहले 2 को हम कॉमन कर देते हैं तो यहाँ बचेगा a प्लस माइनस b और नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी, प्लस साइन के साथ यूज करोगे तो a प्लस बी, और दूसरा आ जाएगा जब माइनस साइन यूज करोगे तो a माइनस बी, और यही दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।